दरियाए-ए-रावी, पानी का एक अनमोल और कुदरती जखीरा। जब से कुदरत ने मुझे तख्लीक किया, मेरी हर सुबह खुश रंग और हर शाम खुशगवार थी। मैं दरियाए सिंध की 5 शाखों में से एक शाख हूँ। मैं हिमालय में हिमाचल प्रदेश के जिला छांबा से निकलता हुआ सुबह पंजाब की सरहद में दाखिल होता हूँ। यहाँ मेरा पड़ाव पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में होता है। मुझे लाहौर का दरिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये खूबसूरत शहर मेरे मशरकी किनारे पर वाक़ है। मेरी कुल लंबाई 720 किलोमीटर थी। जी हाँ, थी। मैं अपने किनारे बसने वालों का जरिया मौज था। लोग आते थे, मुझे तैराकी, कश्तीरानी, माहीगीरी और तफरीह के लिए इस्तेमाल करते थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मेरे किनारे बसने वाले मुझसे रोजमर्रा का काम भी लेते थे। ये लोग जानते हैं वो दौर मेरे उरूज का दौर था। रावी का साफ पानी फसलों को शादाब और कई बस्तियां सैराब करता था। लेकिन अब ना वो वक्त रहा है और ना हालात। किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल उसके जवाल का बाइस बनता है। मेरी कहानी भी 1947 में बरसगीर और पाक हिंद अलग हुए। 1960 में 5 दरियाओं को भी तकसीम कर दिया गया और मैं हिंदुस्तान के हिस्से में आया। दरिया का कुदरती हक है बहना। दरिया के पानी को रोका नहीं जा सकता। इंसानों ने मुझे बिजली पैदा करने का जरिया बना। डैम और बंद बनाकर मुझे जखीरा किया जाने लगा। जो पानी बहता हुआ गुजरता था उसको लोगों ने सैर तफरी के लिए बर्बाद कर दिया। लोग आते, सैर तफरी करते, इंजॉय करते और अपना कूड़ा करकट फेंक कर वहीं से चले जाते, जिससे दरियाए रावी की खूबसूरती जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती चली गई। रही कहीं कसर जो है वो हमारी फैक्ट्री एरिया ने पूरा कर दिया। लाहौर जैसे जैसे फैलता गया, फैक्ट्री एरिया बढ़ता गया और सारे फैक्ट्रियों का पानी दरियाए रावी में डाल दिया जाता था, जिससे हर तरह की बीमारी फैलती थी और दरियाए रावी आहिस्ता आहिस्ता। अब जो आपको दरियाए रावी में थोड़ा बहुत पानी नज़र आता है, ये जो पहाड़ों पे ग्लेशियर वगैरह जो पिघलते हैं उनका जो पानी है वो दरियाए रावी में आता है और आहिस्ता आहिस्ता दरियाए रावी का पानी इकट्ठा होकर इस तरह से ये पानी चलना शुरू हो जाता है। अगर इंडिया दरियाए रावी का पानी छोड़ दे तो लाहौर की खूबसूरती डबल हो जाए और लोग सैर तफरी के लिए रावी की तरफ ज़रूर आएँ और लाहौर की खूबसूरती भी बढ़ जाए, मतलब कि लाहौर को 4 चांद लग जाए। रावी एक बहुत ही प्यारा व्यू दिखाता है। लोग यहाँ पे आते हैं, मौज मस्ती करते हैं, घूमते हैं, बोटिंग करते हैं, तैराकी करते हैं और फिर यहाँ पे अपना कूड़ा करकट फेंक कर घरों को वापस चले जाते हैं। जो कि रावी के अंदर रहने वाले जो भी जानवर हैं, जैसे कि मछलियां हैं और भी जो भी चीज़ें इसमें रहती हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि मेरी ये कहानी आपके सामने एक मिसाल है। पानी की जरूरत सबको है। लाहौर और उसके आगे मेरा पानी अब तकरीबन खुश्क हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के 3 दरिया अभी भी बचाए जा सकते हैं, उनका सही इस्तेमाल करके। सनती तरक्की और इंसानी जरूरियात को पानी के हुकूक के बीच ना आने दें। पानी का हक है बहना, इसे बहने दें। ये सूखते रावी की इल्तिजा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।